बच्चा आपका बैठेगा, दूसरा का बच्चा ना बैठा हुआ है, बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है, समझे ना। खेल भैया बैठता है, दिक्कत जनरल बोगी है। तो जैसा देख रहे आप सफर बहुत कष्ट है सभी लोग का। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब, नए ब्लॉग के साथ आप सबका स्वागत है। और गाइस 12 बज रहा है और हमको जाना है बख्तियारपुर, और ट्रेन आ गई है हिमगिरी एक्सप्रेस, इसी में जाना है। और हमको जाना है जनरल में, जो स्लीपर का टिकट नहीं मिल पाया, तो देखते हैं भीड़ कितना है। अभी तो देखने में लग रहा बहुत ज़्यादा भीड़, तो खचक खच एकदम खचक खच भीड़ है, देखते हैं जाके। भीड़ इस जनरल में अभी तो देखिए बहुत काफ़ी भीड़ है, क्या होने वाला तो देखते जाइए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। भाई का जब सीट नहीं मिला एड्रेस से, लग रहा है कि हमको बख्तियारपुर जाने में खड़े में ही जाना पड़ेगा, सीट ही है, आदमी का खड़ा होने की जगह नहीं है, तो बैठे ही तो दूर की बात है। फिर भी हम देखते हैं सफ़र कैसा रहता है मेरा जर्नी का, सभी लोग का। बहुत टाइम मुझे बहुत अकबक एकदम सांस फूल रही है, इतना ही ट्रेन में क्या करें, मजबूरी हमको जाना पड़ेगा, कोई तो है ट्रेन है, हमको सांस फूल रहा है एकदम, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना भीड़ खत्म कुछ देखी है। सो गाइस जैसा देख रहे हैं कि हालत जो है इस बोगी में बहुत ख़राब हालत है, हम पहली बार सफ़र कर रहे हैं और देख लीजिए मेरा सफ़र कैसा है। तो आप देख लीजिए कैसा सफ़र है, और बहुत काफ़ी भीड़ इस ट्रेन में जनरल बोगी में, और भी ट्रेन का नाम है हिमगिरी एक्सप्रेस। और अभी आप पूछे हैं कुछ देर पहले, तो चाचा बताएं तो सुन लीजिए क्या बोलते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? राजकुमार दास। अब कहाँ कर आने वाले? कलकत्ता का। कलकत्ता का, प्रॉपर कलकत्ता? कलकत्ते में रहते हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र तो देख ही रहे, पूरा गंजन है। अभी कौन सा स्टेशन है चाचा? मधुपुर। मधुपुर, ये जो देख रहे हालत, जो देख रहे पूरा भीड़, ये पहली बार है या हमेशा ऐसे ही होता? इसमें ऐसा भीड़ नहीं होता रहा, आज पहला बार ऐसा भीड़ हुआ है। पहला बार ऐसा हुआ? पहला बार। नाम क्या आपका? संजीव राम। सफ़र कैसा रहा? वही हो गया, बहुत बदतरी हो रहा है, पीछे बैठा उठा हुआ है सब। देखिए बाकी लोग जो है बहुत परेशानी से बैठे हुए हैं, एक तो गेट के साथ में बैठे हुए हैं, एक इधर बैठे हैं, देखिए बाथरूम तक वहाँ तक बैठे हुए हैं, बाकी हम लोग जो है इतना कष्ट से जा रहे हैं, पर बहुत कष्ट। मोहम्मद मनीर। कहाँ से हैं? चकाई। ये सफ़र? सफ़र तो देख ही रहे हैं का कष्ट से जा रहे हैं, नीचे ऊपर दाया बाया चारों तरफ आदमी भरा हुआ है। अपना कष्ट बता सकते हैं तो बताइए। मेरा कष्ट तो बहुत बेकार रहा है, क्योंकि हम पहली बार आए इस ट्रेन में, और तीन ट्रेन कैंसिल होने के कारण जो है हमको नहीं पता कि इतना भीड़ आओ जो ना, हमको जमीन में सो के जाना पड़ेगा बैठ के। एक ठावर हैं जो उनसे बात करेंगे। चाचा थोड़ा सा इंटरव्यू ले लीजिए। क्या नाम है चाचा? कृष्ण प्रसाद। कहाँ से हैं? आरा नाइट। आरा से हैं। कैसा सफ़र है आपका? आए इस सफ़र कैसा रहा आपका? कष्ट तो है। कष्ट है ना, जैसा मैंने आपको देखा गेट तर बाथरूम तर सारा जगह जो है बैठा हुआ सोया हुआ, तो सीट कहाँ से मिलेगा, आदमी का खड़ा होने का भी जगह नहीं। एक भाई तो आ रहे हैं, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? झाझा। झाझा से। नाम क्या होगा? विक्रम कुमार। कैसा सफ़र रहा आपका? अच्छा है ना? अच्छा रहा। चलिए इनका भाई का भीड़ में अच्छा सफ़र रहेगा। हाँ देखिए इनका भीड़ का सफ़र अच्छा रहा। चलिए एक भाई और मिलते हैं, बुला रहे हैं उनसे मिल लेते हैं। कैसा सफ़र रहा अभी आपका? अरे सफ़र क्या। नाम क्या आपका? शिवम कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? बिहार से कहाँ? बांका जिला। बांका जिला से। वाह, सब ये जो देख रहे हैं पहली बार है कि अब हमेशा ऐसे ही रहता? नहीं ये पहली बार है, इससे पहले कुछ फ्री रहता है, क्योंकि पहले का गाड़ी सब बंद है। मतलब आप जो देख रहे हैं ये पहली बार देख रहे हैं, हमेशा मतलब जनरल बोगी में तो ऐसा भीड़ तो नहीं रहता होगा? उधर रहता है, इधर पता नहीं। चलिए ठीक है, बताइए चाचा आपका नाम क्या हुआ? खान। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? बिहार से कहाँ से, कौन से जिला? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला। ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत कष्ट हो रहा। बहुत कष्ट,
अरे सारे लोग का बहुत कष्ट है इस सफर में ट्रेन का। चाचा कहाँ से आप हैं? हम झारखंड से। झारखंड से? नाम क्या है आपका? अशोक यादव। सफर कैसा आपका? अरे ऐसा भीड़ कभी नहीं देखे थे। ऐसा कभी नहीं देखे हैं? चाचा कभी ऐसा सफर कभी नहीं देखे? कहीं खड़ा भी नहीं हो पाए ना, बैठ पाए सर, एकदम वो सही रह गए हैं। चलिए ठीक है, इतना कष्ट में कंठ सूख रहा सभी लोग का। पानी की व्यवस्था हो गई बाथरूम तो इतना बास मार रहा कि मत पूछिए, वहाँ पर कैसे लोग सब सोया हुआ बैठा हुआ, तुम हमको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम खुद ही चला यहाँ पर। तो गाइस तो जैसा देख रहे आप सफर बहुत कष्ट है सभी लोग का। बच्चा आपका बैठेगा, दूसरा बच्चा का बैठेगा, बच्चा बैठेगा, वो बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है, समझे ना। खेल भैया बैठता है, दिक्कत दे गया, जनरल बोगी है, बात समझ कहाँ दे रहे हैं, जब समझ आता है दिक्कत दे, चलिए ना बाजार में, तो हम कोई के जाना इसी पर है, इसी ना बोला हल्का दिक्कत दे दिया है, हम जब थोड़ा बैठने के लिए बोलने बैठेगा, हम जब थोड़ा बोलने के बैठेंगे, बच्चा बैठेगा, हम जब खड़ा खड़ा चल जा रहे, तू आधा घंटा का रास्ता है। तो मिलते हैं सुबह में और बताते हैं आपको कैसा और भी रहा। तो भाई तो हम पहुंच गए ब्यास टोटो में और हम जा रहे हैं घर, आपको घर में बताते हैं कि मेरा जर्नी कैसा रहा। सो गाइस तो हम तो घर पहुंच गए हैं और मेरा कैसा जर्नी रहा ट्रेन का सफ़र तो आपको पता ही चल गया होगा। और दूसरा बात क्या कि मेरा दीदी और मेरी मासी वो बहुत टेंशन में थे कि मेरे बाबू जा रहा है तो इतना कष्ट में क्यों जा रहा है, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था कि तीन ट्रेन कैंसिल होने के कारण ये लास्ट ट्रेन था हिमगिरी, तो हमको क्या पता कि इतना भीड़ रहेगा। अब अंदर गए तो हमको जाना भी था ब्यास शरीफ, हमको ब्यास शरीफ आना भी बहुत ज़रूरी था। अब हम गए तो अंदर इतना भीड़, बैठना तो दूर की बात है, खड़ा कहाँ होंगे हम, फिर भी एडजस्ट करके तो आप वीडियो में देख लिए होंगे कि किस तरह से हम बैठे हुए थे, रात भर सोए नहीं, हालत ख़राब, खाना भी नहीं खाया, पास मार रहा था बाथरूम के बगल का, असल में बाथरूम तक के सोया हुआ था, क्या करें, मम्मी भी परेशान, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो गाइस तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक से एक ब्लॉग वीडियो लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आज जो भी इस चैनल में आप लोग नहीं हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय।